2004 का ब्रेकअप बाद माशमारा वशत कने चुके बलूचिस्तान मौजूदा सूरत आल सर का पुत्रान कन गए तो बलूचिस्तान ई वदा सूरत आल सकबाज गंभीर हैं चुके मरूजी मा हदीस तक के एपेक्स कमेटी अजलास मुत्ता वजीर आजम साहब आर्मी चीफ साहब सरबुत का तो दो मिनट का वस्त के रोचा मा हदीस तक के वजीर दाखिला हम अशुतगा ई इंसिडेंट पद तो ई वदा बलूचिस्तान के हस्ते ई सूरत आल तहा वजगाएं या ई कुजाम रदी पॉलिसियां सब दें के बलूचिस्तान माजिया शिंदरगोशी या तवज्जो दिए नबुत के मरूची एक सूरत याद करते हैं तो कबाज शिद्दत का गपुत्राना दीवा भरें डॉक्टर जब्बार कटक साहब सीनियर साहब की तजिया कार्य में कोदारी कर रहा है आई एम केशन का पुत्रान करें अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कल हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं डॉक्टर साहब, बलूचिस्तान की जो मौजूदा सूरत याल है आप इससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि जो सूरत याल इस वक्त जो है बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है या बहुत ही टेंस सूरत याल है, बुनियादी सबब क्या है? आप क्या समझते हैं कि एक नफरत है तो इसकी वजह आप क्या समझते हैं? क्या रियासती गलत पॉलिसियाँ हैं और कुछ वजूहत हैं? देखिए ना, बलूचिस्तान के साथ एक रियासती जो है ना वो जाति पहले जिनसे हुई और फिर उसकी इंतहा जो है यानी कि नौरोज के ज़माने से हुई, नवाब नौरोज खान के ज़माने से, और फिर उसमें जो है ना फिर नवाब अकबर बुख्ती का जो कत्ल जो हुआ तो उन्होंने जो है ना इन सब चीज़ों को जो है ना शुरू से लेकर अब तक बिगाड़ा था ये सिलसिला सारा। देखिए जो है मुल्क और रियासत और हुकूमत जो है ना वो किसी जुगराफे का नाम नहीं होती, वो लोगों का नाम होती है और लोग तो जो है ना जब अपने एक शहरी होते हैं और आइंदे तमाम शहरियों को जो है ना वो एक हुकूक दे रखे हैं तो ये रियासत का और हुकूमत का भी फर्ज था कि वो जो है ना बलूचिस्तान के मसलों पर ध्यान दे। तो बलूचिस्तान के मसलों पर अगर ध्यान न दें और बलूचिस्तान के अवाम के वोटों पर मुश्तमिल जो है ना हुकूमत न बने, अभी देखिए ना 73 में यहाँ पर जो है ना जो है उसकी नेशनल अवामी पार्टी और जो है जमीयत उलमा इस्लाम की मुश्तरका हुकूमत थी, उनकी असम्बली में अक्सरियत थी, उसको भी जो है ना फिर इस्लामाबाद में जो है की ताकत से उनकी हुकूमत को बरतरफ किया गया और फिर वो भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो एक कशीदगी रही। अब मसला ये है कि आपको तमाम लोगों से बात करनी चाहिए, रियासत होती है माँ की जैसी और ये बात जो ना जरा ठीक है कि तशद्दुद जो है वो बहुत ही गलत बात है चाहे जिसकी तरफ से भी हो, तशद्दुद को कभी भी जो है ना उसकी तायीद नहीं की जाती। लेकिन मसला बुनियादी तौर पर यह है कि जो कि बलूचिस्तान के जो सियासी कुव्वत है जो कि आइन को समझती भी हैं कि आइन पे को मानती भी है और आइनी और जमहूरी जदोजहद करते हैं तब भी उनको भी काम नहीं करने दिया जाता तो फिर जो है ना आप एक इलाके में एक बेगानगी जो है रियासत के लिए पैदा करते हैं। बात यह कि बलूचिस्तान के सूबे में किसकी हुकूमत होनी चाहिए किसकी नहीं होनी चाहिए और बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कौमी असम्बली में कौन करे और सेनेट में कौन करे, ये जो है ना कतई तौर पर जो है इसको रियासत को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, अवाम के जो एहसास की तर्जमानी हो। अभी देखिए ना मीर आसिफ खान बिजंजो जो है जब सेनेट के चेयरपर्सन के लिए जो है ना जब वो इलेक्ट थे उनकी पूरी अक्सरियत थी और फिर जो है ना वो मरूम को जब से पूछा गया जब क्यों आ रहे उसने कहा कि मुझे जनरल फेज ने हराया। तो देखिए ये एक बात थी कि इस तरह से जो है ना जनरल फेज को ये करना ही नहीं चाहिए था कि वो सेनेट के इलेक्शन के अंदर जो है ना वो अपनी वो करे। बात यह है कि जनरल फेज का काम तो यह है कि वो एक मुंतखब हुकूमत की जो है वो अहकाम की बजावरी करे, न कि यह कि मुंतखब हुकूमत को अपने इशारों पे नचाए और न ये कि मुंतखब हुकूमत को कोई हैसियत ही न दे। देखिए आइन के तहत जो है ना वो रियासत बनी है और आइन के अंदर हर एक के इख्तियार हैं और ये जो है ना एक दूसरे इख्तियार में जो है वो मुदाखला जो होती है तो उससे जो है ना ये सब चीज़ें बनती हैं। रियासत को एक दफ़ा फिर सोचना चाहिए। मैं नाराज़ बलोच और यह बेजार बलोच इसकी जो है ना टर्मिनोलॉजी को मैं नहीं मानता, मैं ये कहता हूँ
एक आइन के तहत जो है वो ये है कि सारे जो लोग हैं इस मुल्क के शहरी हैं और जो है ना उनके मुतालबात हों बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल जो है वो बलूचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल हों और सारे सूबों के वसाइल उन सूबों के अवाम की फलाह बहबूद के लिए हो और सारे सूबे जो है ना वफाक को एक रजाकाराना तौर पर जो है वो उसकी एक सुपरमेसी तस्लीम करें और वफाक को भी वफाक की तरह का जो है ना बिहेवियर करना चाहिए जो आइन की रूह के मुताबिक है तो फिर कोई मसाइल कतई तौर पर ऐसे नहीं पैदा होंगे। लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब हम ये भी देख रहे हैं कि जो इस वक्त एक नौजवान तबका है बलूचिस्तान में जो उनमें अक्सरियत जो है उन तालिब इल्मों स्टूडेंट्स की है जो अपने नफरत का इजहार कर रहा है। हमने देखा कि जो खुदकुश धमाके हुए बलूचिस्तान में तो उनमें एक जो है लेडी थी वो भी एक तालीम याफ्ता थी लॉ की स्टूडेंट थी और इसके अलावा एक भी जो है एक और स्टूडेंट थी। तो बुनियादी तौर पर हमने पहले भी देखा कि जो तालीम याफ्ता हमारे खवातीन थे वो खुदकुश हमलों में उन्होंने हिस्सा लिया और खुदकुश हमले किए। तो बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है नौजवानों की जो कि अपने तरीके से इस इंसर्जेंसी का हिस्सा बना हुआ है। तो आप नहीं समझते हैं कि यह रियासत के लिए रियासत की जो गलत पॉलिसियों की वजह से एक खतरनाक साबित हो सकता है मुहल्लिक साबित हो सकता है रियासत के लिए? देखें जहाँ मेरा जाती नुक्ता दर मैं तो अदम तशद्दुद का हामी हूँ। मैं तशद्दुद की किसी भी किस्म के जो है ना साथ नहीं हूँ चाहे वो रियासत की तरफ से तशद्दुद हो और चाहे जो है ना वो किसी जो है ना समाज के किसी हिस्से की तरफ हो। हम ये कहते हैं कि भाई बात यह है कि तशद्दुद जो है वो उसकी पॉलिसी तर्क कर देनी चाहिए तमाम जो है ना फरीकों को और बलूचिस्तान के अवाम को जो है ना अपने जो है ना एक राय दही का जो है एक इजहार का जो है ना उनको एक जो है ना मुनसिफाना और आजादाना जो है ना मौके दिए जाए उनकी सही किस्म की जो है ना नुमाइंदा हुकूमत बलूचिस्तान में भी कायम हो और उनके हकीकी किस्म के जो है ना नुमाइंदे उनकी असम्बलियों में भी जाएँ और सेनेट में भी जाएँ तो फिर जो है ना बलूचिस्तान के नौजवान जो है वो जाहिर है कि एक एहसास शराकत महसूस करेंगे। जबकि बात यह है बैलेट बॉक्स के अंदर अगर रिजल्ट बदल जाए तो फिर बलूचिस्तान बलोच के नौजवानों को जो है वो क्यों आप जो है ना वो मूर्त इल्जाम चढ़ाते हैं। फिर दूसरी बात यह कि क्या बलूचिस्तान के वसाइल सारे के सारे वसाइल बलूचिस्तान के नौजवानों पर खर्च हो रहे हैं या नहीं हो रहा है? जब नहीं हो रहा है वो नौजवान जो है ना उनको तालीम के मौके नहीं वो गुर्बत का शिकार है उन्हें अपना कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता। ये सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं अब तो पूरे मुल्क के अंदर ही है कि एक किस्म की जो है ना मायूसी है जो हमारी इक्तसादी हालत हो गई है वो इक्तसादी हालत में तो पूरे मुल्क के नौजवानों को जो है ना वो मायूस किया है। तो बलूचिस्तान के नौजवानों का तो दोहरा इस्तेसाल हो रहा है ना। एक तो जो मुल्क के मजबूरी एक नौजवान की हैसियत से जो मजबूरी उनका जो है ना इस्तेसाल का और दूसरा है कि बलूचिस्तान के साथ एक बलूचिस्तान का एक खसूसी इस्तेसाल हो रहा है। बात यह कि अवाम पर जो है हुक्मरानी जो है ना जबर से नहीं की जा सकती और जबर का जो है ना हमने देखा है कि हमेशा जो है ना नतीजे जो है ना खराब गए हैं और जमहूरी फिजा में जो है जो एक चीज जो है ना जो एक माहौल बनता है वो बड़ा पायदार होता है उसके अंदर भाईचारा बढ़ता है यकजहती बढ़ती है या जानत बढ़ती है एक दूसरे से इख्तलाफ राय का एहतराम किया जाता है गद्दारी के सर्टिफिकेट जो है ना नहीं दिए जाते किसी को जो है ना मुल्क के खिलाफ जो है जाहिर है कि बात को कोई भी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आप जो है ना अवाम को सारे हकूक देंगे तो वही नौजवान जो है ना इस मुल्क के लिए बहुत बड़े मुहाफिज साबित होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब जो वजीर दाखिला हमारे मोहसिन नकवी साहब गुज़श्ता जब क्वेटा गए तो उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है तो एक SHO की मार है। तो आप इस तरह के स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं कि एक वजीर दाखिला इसकी बहुत बड़ी जो है एक पोस्ट है एक ओहदा है इस तरह के स्टेटमेंट बयान जारी करना आप नहीं समझते हैं कि मजीद जो है नफरत का बायस बनेगा? देखिए मोहसिन नकवी जो है ना मतलब एक मेरे दोस्तों में से है लेकिन और मीडिया से जो उनका ताल्लुक भी है लेकिन उनको ये बात कतई तौर पर नहीं करनी चाहिए थी। बात यह कि अगर एक SHO की मार है तो भाई मोहसिन नकवी साहब खुद SHO बन जाएं और खत्म करें इस मसले को
बात यह है कि ये जो कोई उस वजह से तो नहीं है कि कोई एसएचओ जो है ना, ना एसएचओ ने ये प्रॉब्लम पैदा की है। ये प्रॉब्लम तो हमारे पास एक एस्टेब्लिशमेंट से उनकी जो है ना वो एहतजाज है, वो ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनको खूब जो है ना वो रोके हुए हैं, उनके कुदरती वसाइल पे ये उनको जो है ना कोई हक नहीं है, उनकी जो है ना इलेक्शन में वो वोट किसी और को देते हैं, कामयाब कोई दूसरा हो जाता है, और जो है ना वो उनके पास अपना मुस्तकबिल जो है वो बिल्कुल वो नहीं है। उनके बूढ़े बुजुर्ग बुसरत अकबर बख्ती बुख्ती को मारा गया, जिस तरह से डॉक्टर शाजिया की जो है ना के खिलाफ जिसने जो है ना जुर्म किया था उसको किस तरह से जो है ना एक लिए गया कि मुल्क का आइन ये कहता है, मुल्क के आइन के खिलाफ वर्जी तो कोई दूसरी जगह से हो रही है। बात यह कि आइन की बात है तो आइन का एहतराम मुझ पर भी फर्ज है, आप पर भी फर्ज है और हुक्मरानों पर भी फर्ज है। और उसी तरह जो है ना फिर अब अगर मैं मुल्क के आइन और कानून की पासदारी करता हूँ तो फिर मुझे अब ये क्या कहते हैं फिर मैं जो हूँ ना एक बेहतर तौर पर जो है ना ये जरूरत से ये बात कह सकता हूँ सबको कि भाई मुल्क के आइन और कानून की पाबंदी करें। तो डॉक्टर दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त जो हम सूरत हाल को मजमू तौर पर देख रहे हैं कि जो डॉक्टर मारंग बलूच की जो तहरीक थी वो भी आपने देखी, वो एक बहुत बड़ी अवामी हमायत उनको हासिल थी, और दूसरी तरफ जो पार्लियामानी सियासी जमातें उसमें बीएनपी नेशनल पार्टी और दूसरी जमातें जो नेशनलिस्ट अपने आप को कहते हैं और पार्लियामानी सियासत पर यकीन रखते हैं, और दूसरी तरफ ये जो शदत पसंद कार्रवाई आई, तो आप नहीं समझते हैं कि जो पोलिटिकल पार्टीज और रियासत को मानते हैं, इस मुल्क के आइन को मानते हैं, पार्लियामेंट में भी जाते हैं, तो एक कला एक विक्यूम पैदा हो रहा है उनके लिए? देखिए डॉक्टर मालंग बलोच ने तशद्दुद के मुखालफत की है, उसने कहा कि वो तशद्दुद की जो मजम्मत करते हैं उनसे जो नहीं मुतालबा किया जा रहा है कोई बाकायदा तंजीमों के नाम ले। बलोचिस्तान की सूरत हाल ये है कि कोई भी जो है ना उन तंजीमों के खिलाफ जो है ना आपके कैसे जो है ना कोई नाम लेगा। बात यह है कि कोई भी वो अकेला जो है ना पूरा एक जाता है, एक पुलिस का सिपाही भी जाता है, पूरी कार्रवाई की शक्ल में जाता है। डॉक्टर मारंग जहाँ जिस इलाके में रहती है वो तो खुद भी जो है ना जाहिर है कि वो ऐसी किस तरह से बात, लेकिन डॉक्टर मारंग ने बात की है कि वो तशद्दुद के खिलाफ है और जो पार्टियां जो है ना वो पार्लिमानी सियासत पे यकीन रखते हैं हमारी स्टेबलिश में हमारी रियासत ने उनके साथ क्या किया। ये तो ओपन जो है ना ये बिल्कुल ओपन है कि भाई डॉक्टर मालिक बलोच जो है ना वो कौमी असम्बली में जीता हुआ था वो कैसे हारा, उसके वोट कैसे कम हुए, और डॉक्टर मालिक बलोच जब वजीर आला था उसने जब जो है ना ऐसे जो है ना नाराज लोगों से बातचीत की थी उसको सपोताज किसने किया, अकबर बुकड़ी का कत्ल क्यों हुआ किसने किया, डॉक्टर शाजिया की असमत दरी जो है ना के मुलजमों को क्यों सजा नहीं दी गई। तो ये सब चीजें भी तो है ना, हम तो ये नहीं कहते कि भाई जो कत्ल गारत गरी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और फिर मेरी आपकी तवस्सुल से जो है ना सब लोगों से ये है कि इस जिद्दोजहद को जमहूरी जिद्दोजहद में बदले। बात यह है कि तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं होता और रंग नस्ल जात मजहब जो है ना इनका तफरका नहीं करना चाहिए, और जो गरीब जो है ना जो अगर पंजाब के लोग जो है ना जो उनका शराफी कार्ड दे के उनको कत्ल कर देना ये भी ठीक नहीं है, दोनों तरफ से जो है ना ये चीजें हैं। बात ये जिनका जो कसूर ना हो उनको उनकी सिर्फ जबान और नस्ल की वजह से जो है ना उनको मार दिया जाए इसका भी जो है ना पूरी तरह नहीं, इसको पूरा मुल्क जो है ना बलोचिस्तान के अवाम की जमहूरी जिद्दोजहद की हिमायत करता है। आप ये देखिए कि इस्टेब्लिशमेंट ने अगर डॉक्टर मारंग के एहतजाज को इस्लामाबाद में या पंजाब के अंदर जो है दबाने की कोशिश की तो वहाँ की जमहूरियत पसंद कुव्वतों ने और वहाँ की सिविल सोसाइटी ने उसे वेलकम किया, मुल्क के मीडिया ने मेजॉरिटी ने डॉक्टर मारंग बलोच की जद्दोजहद को वो किया वेलकम किया, इसीलिए कि मिसिंग पर्सन नहीं होने चाहिए, मिसिंग पर्सन किसी के भी हों चाहे वो पुलिस और फौज के सिपाही हों या जमहूरियत पर यकीन रखने वाले जो है ना लोग हों या कोई भी बलूचिस्तान का आम शहरी हो, कोई जो है ना हमारा आइन ये नहीं किसी को हक देता कि उसको जो है ना बगैर किसी जुर्म के और बगैर किसी ट्रायल के उसकी जान से खेला जाए, उसे गायब किया जाए, उसको अपने प्यारों से दूर रखा जाए। तो ये सब है,
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक है। मदर चेयर को डॉक्टर जब्बार कटक साहब, सीनियर साहब, तजिया कर गपुतरान का ब्रेक जरूर पता मैं बता साढ़े तीन के गपुतरान का।